वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब एक और मुद्दा गर्मा गया है और वो है आगरा के ताजमहल में बंद कमरों का। और अब इन कमरों की जांच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने की मांग उठने शुरू हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाया जाए और एएसआई से इसकी जांच कराई जाए। साथ ही याचिका में दावा किया गया है कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अयोध्या बीजेपी मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में कहा गया है कि ताजमहल परिसर का सर्वेक्षण जरूरी है जिससे शिव मंदिर होने और ताजमहल होने की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। समिति इन कमरों की जांच करे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि वहां हिंदू मूर्तियां या धर्म ग्रंथों से संबंधित सबूत है या नहीं। इस याचिका पर मंगलवार 10 मई को सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मैंने एएसआई से पूछा कि ताजमहल में जो इन 22 कमरों को बंद किया गया है इसका कारण क्या है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी पूछा कि इसके पीछे का असली कारण क्या है, जिसके जवाब में कहा गया कि इन कमरों को सुरक्षा कारणों के चलते बंद किया गया है। बता दें कि कई हिंदूवादी संगठन ताजमहल को लंबे समय से शिव मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। कई बार इन संगठनों ने ताजमहल में सावन के महीने में शिवारती करने का भी प्रयास किया था। बीते दिनों जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी ताजमहल को तेजो महल होने का दावा करते हुए अंदर शिव पूजा करने की बात कही थी। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज।